नहीं है सर अभी तक। देखो तो शुरू करेंगे सेशन आज हम इफ कंडीशंस की, और प्रणपा जी मैंने परमिशन दे दी है, आप रिकॉर्ड शुरू करें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सबसे पहले हम ओके बात सर। कर रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ा था आपके साथ कि इफ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इफ के अंदर जो भी एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया आपके साथ, हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस की, जैसे एंड और के बारे में हम बात करेंगे। आपके पास यहाँ, मेरे पास यहाँ पे सेल है, और सेल में मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 50 है उसका टोटल आ जाए, ग्रेटर देन 50 है क्या आ जाए, टोटल आ जाए, लेकिन कौन सा 800, मतलब कि यहाँ हम INC देना चाहते हैं, इंसेंटिव देना चाहते हैं कि अगर 50 टू 80 के बीच में आया तो 800 का देना चाहते हैं यहाँ पे, तो अदरवाइज जीरो देना चाहते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इफ फॉर्मूला, हम सिलेक्ट करेंगे A2 को और यहाँ कंडीशन देंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि एक इफ में तो एक ही कंडीशन दे सकते हैं ना सर, एक इफ में एक से ज्यादा कंडीशन तो दे नहीं सकते। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे एंड का। तो एंड फॉर्मूला करता क्या है, चलिए सिंगल एंड लगा के दिखाता हूं मैं। एंड फॉर्मूला में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, और यहां पे लेस देन इक्वल टू 80। अब कितने कंडीशन दे सकते हैं इसका कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ एक सेल के अंदर 32,000 करेक्टर होते हैं, तो 32,000 करेक्टर से जैसे ऊपर जाएगा ये सेल अब में फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। 100 पे क्लिक करो, हाईलाइट हो जाएगा आंसर। रिजल्ट आ गया ट्रू फॉल्स में, बट हमें ट्रू फॉल्स तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंसेंटिव इंसेंटिव चाहिए। इसके लिए हम इफ कंडीशन वैल्यू। लगाते हैं, इफ यहां पे हमने दे दिया 800, अदरवाइज हमने 0, 800 अदरवाइज ब्रैकेट के बाहर। ओके समझ जीरो। तो ब्रैकेट तो एंड का है ना, गया। और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो मैं ये, हाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और मल्टीपल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड हो तो वहां पे क्या देंगे हम, एंड फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी चीज को यहां देखें, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो सैटरडे एंड संडे है उसमें ऑफ अदरवाइज ओपन दे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे और का। अब यहां एंड क्यों नहीं लगा सकते, जैसे हमने बताया कि एंड इज रिक्वायर्ड, एंड क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ओके एक ही सेल में सैटरडे या संडे दोनों तो नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा ना, ओके तो यहां पे हम ओके देंगे और इसको सेलेक्ट किए इक्वल टू सैटरडे कॉमा इक्वल टू संडे, और हमने इसको कर दिया एंड, रिजल्ट ट्रू फॉल्स आया। अब इस ट्रू फॉल्स को हम इफ में डालेंगे, किसमें डालेंगे, इफ में, कि इफ, और यहां पे सिलेक्ट किया हमने, यहां पे आ जाए ऑफ अदरवाइज आ जाए ओपन। ठीक है, हाँ जी ओके। अब इफ एंड और दोनों को हम अलग तरीके से समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे में थोड़ा सा। जैसे आपके सामने यहां दिख रहा है रिजल्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे,
हाँ जी तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ का। एफ में लेकिन कई सारे कंडीशंस हैं, तो यहां होगा एंड इक्वल एंड 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 में इसको लिया कि अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 30 है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर इक्वल टू 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, रिजल्ट ट्रू फॉल्स आया। फिर यहां पे हम इफ देते हैं और यहां पे हम करते हैं पास, हम करते हैं फेल, प्रेस एंटर, यहां पे ड्रैग नीचे की तरफ ड्रैग कर। ओ बहुत सारे लग गया क्या? अच्छा हाँ, कोई नहीं, वैसे समझ मेरे मेरा की में आ मेरा गया। कीबोर्ड हमने चेंज किया ना सर, पहले मैकेनिकल कीबोर्ड था ना सर, और करीब 10-12 साल से उसी का हैबिट था, तो मैंने लैपटॉप नया लिया है तो मेरे साथ नया कीबोर्ड भी लिया है और छोटा है थोड़ा सा वायरलेस, तो उसमें थोड़ा सा हाँ मैकेनिकल में थोड़ा जोर से प्रेस करना होता है ना सर, आदत है जोर से प्रेस करने की। अब यहाँ पे ए हो गया, तो एंड समझ में आया इसका? एंड या और जो भी है आगे इफ लगाने से, सो सामने यू कैन गिव मोर ऑप्शंस ऑफ क्या वो पास फेल लगाना है या व्हाटएवर इट एंड इज। सिंपल सी बात समझिए कि एक कंडीशन के लिए हम इफ लगा देते हैं राइट, बट कंडीशन हाँ हमारे पास बहुत सारे हो तो वो इफ से वर्क नहीं होता है, क्योंकि इफ एक ही कंडीशन ओके लेता है। उस केस में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं या और का या इस्तेमाल और करते कैसे। हैं। एंड का इस्तेमाल तब होता है जब जो कंडीशन आप डालना चाहते हैं वो सारे कंडीशन रिक्वायर्ड हो, और कोई एक जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर होगा तभी तो पास होगा ना। ओके अब क्या इसमें हम एंड और लगा सकते हैं सर? जी लगा सकते हैं, नहीं नहीं नोट्स नोट लगा लिख सकते हैं रहा सर, था तो ये बोलो कंडीशन हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ट्रू सर। हाँ होने पे फेल और फॉल्स होने पे पास। ओके हम यहां लेकिन देखेंगे पांचों सब्जेक्ट के लिए हम और कैसे यूज कर पाएंगे हम मतलब। कंडीशन बदल देंगे, हम बोलेंगे क्या ए लेस देन इक्वल टू 30 है, तो लेस देन 30, समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है तो यहां पे अगर मेरा कंडीशन क्या है कि एक भी 30 से नीचे है इसमें पत्र की फेल है, फॉल्स आया इसका मतलब कि पास है, ट्रू आया इसका मतलब कि फेल है, समझ गया कि नहीं? ठीक ठीक अब यहां पे आते हैं नीचे कि यहां पे मेरे पास कुछ स्टेटस है कुछ आईडी प्रूफ का, इसमें कंपनी कहती है कोई एक आईडी प्रूफ भी चलेगी और एक से ज्यादा भी चलेगी, तो यहां हमने इफ लगाया और हमने पैन को सेलेक्ट किया कि अगर ए इक्वल टू वाई है कॉमा दैट इज इक्वल टू आई कॉमा दैट इज इक्वल टू आई कॉमा दैट इज इक्वल टू आई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई। बेटा बैटरी नहीं उसमें, एक प्लग निकाल के लगा उसे इसलिए बंद हो गया। नहीं। हाँ लगा, चार्जर है ना, बहुत चार्जर है, देखो जा जा कर हाँ देखो चार थोड़ा तक आया हुआ है, क्यों निकाल रहे उसको? चार्जर कॉमा इसको इक्वल टू से क्या? अच्छा हमने इफ लगा दिया, ध्यान कहीं और था, हो गया सर। अब इसको ट्रू फॉल्स में कर दिया,
अब यहाँ पे कंडीशनर का चेंज हो, तो जैसे मुझे इसमें से दो चाहिए, कि पैन तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इनमें से कोई एक होना चाहिए, मतलब हमें दो चाहिए, दो में पैन होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे बात हो कि मुझे इसमें से कोई दो चाहिए, तो और लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे अगर मान लीजिए ब्लैंक और वाई है तो काउंट लग जाएगा, काउंट ए, समझे। अगर नहीं, ए वाई और एन है, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, काउंट ए, काउंट ए, और यहाँ पे वाई, समझे सर। बट यहाँ पे दो चाहिए, दे में जिसमें पैन कंपल्सरी है, तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, एंड में वाई को लेंगे और यहाँ इक्वल टू वाई देंगे, फिर वापस और देंगे, और में यहाँ इक्वल टू वाई कॉमा ए इक्वल टू वाई कॉमा ए इक्वल टू वाई कॉमा देन इज इक्वल टू वन, ठीक है सर। यस किस तरह यूज कर सकते हैं? हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ का यूज क्यों होता है, मतलब किस केस में हम एक से ज्यादा इफ के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने ये आपको इफ एंड में इसे एग्जांपल बताया था, याद होगा। इसमें हमारे पास क्या था कि दो रिजल्ट थे सिर्फ, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए, राइट। बट सेम कंडीशन यहां पर है, पर रिजल्ट चेंज है, कि 50 to 80 को देना 800, लेस देन 50 को देना है 100, ग्रेटर देन 80 को देना है 200, क्या। ओके तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे इफ इफ ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगेन एक और इफ देंगे, अगर ए लेस देन इक्वल टू है 80, अगर ऐसा है तो 800, अदरवाइज 200, नहीं तो 100। अब बोले सर आपने नहीं तो हो तो बोल दिया, लेकिन कैसे हुआ कैसे। देखिए सिंपल सी बात समझिए, हर इफ के तीन पार्ट होते हैं, लॉजिकल, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो पहला इफ का ए हो गया लॉजिकल, ये हो गया वैल्यू ऑफ ट्रू, ये हो गया वैल्यू ऑफ फॉल्स। ए इफ क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर ए टू ग्रेटर देन 50 हुआ तो अगले इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं है, ग्रेटर देन 50 नहीं है, मतलब कि लेस देन 50 है, तो सीधे इस 100 को शो कर देगा और दूसरा इफ चलेगा ही नहीं। फिर दूसरा इफ चेक करेगा कि क्या ए लेस देन 80 है, अगर लेस देन 80 है तो वो 800 को शो करेगा, अगर नहीं तो, नहीं तो इतना तो कंफर्म है क्योंकि वो ग्रेटर देन 50 है ही, और लेस देन 80 नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन 80 है तो वो 200 को शो करेगा। क्लियर हुआ सर? ओके सर, प्लीज ये रिपीट कीजिए सर। ए टू, सिंपल प्लीज इसका नोट्स समझिए, ए लेना ये मेरे। पहले ही इसका ट्रू पार्ट हो गया, ये हो गया लॉजिकल पार्ट, ये हो गया ट्रू पार्ट, ये हो गया फॉल्स पार्ट। ओके अगर ग्रेटर देन 50 नहीं होगा तो ये इफ नहीं चलेगा ना सर, जो यहाँ पे इफ है वो सीधे 100 शो कर देगा। करेक्ट। तो हाँ दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ ग्रेटर देन 50 होगा, करेक्ट, क्या। यस। पहला इफ ग्रेटर देन 50 आई थी, दूसरा लॉजिकल दिखेगा वो। जी हाँ, सिंपल। अब इसको नीचे ड्रैग कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह से कि अगर यहाँ पे सैटरडे हो तो एच डी, संडे हो तो ऑफ, बाकियों में ओपन। तो यहाँ देंगे इफ चेक करो, क्या सैटरडे है, सैटरडे है तो क्या कर दो, एच डी कर दो, हाफ डे। फिर वापस इफ लगाया, सेलेक्ट किया कि क्या ए इक्वल टू संडे है तो यहां पे आ जाए ऑफ, अदरवाइज
ओपन लिख, ठीक है, क्लोज किया, एंटर प्रेस की, रिजल्ट आएगा। इसमें क्या हुआ, आप देखिए दोनों में फर्क देखिए, ये और मेथड है, और मेथड में क्या हुआ कि पहले कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट चलता है, राइट। मतलब कि जैसे उसका कंडीशन ट्रू हुआ वैसे वो अपना एचडी दे देगा और बाकियों को इग्नोर कर देगा, क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ फॉल्स होगा, लेकिन एंड वाले कंडीशन में क्या है कि दूसरा इफ कब चलेगा, जब पहला इफ ट्रू होगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, समझ में आया कि नहीं सर? ठीक है, आपको समझ में आया सर? कृपा जी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, दोनों ऑपोजिट 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 काम करते हैं, समझ में आइए सर। पहले कंडीशन और ट्रू, अगली क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये दिख रहा है आपको सर, तो मुझे लगता है कि अभी आप समझ पाएंगे, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर ले, ठीक है? ओके, ये फाइल भेज दूं प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी।